कोणाचा तरी आवाज ना असा हे होतो. सागर, तुझा आवाज, तुझा आवाज येते नीट. संकेत, सोनाली, की माझा नेटवर्क खराब आहे, प्लीज अनम्यूट होऊन कन्फर्म करा एकदा. नो मैम, नो सर, हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, चलेगा. तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम मॉकिंग क्या है, मॉकिंग की क्या जरूरत है, ये वाला हम लोग करने वाले हैं. सर ये सब टैग नहीं हुआ था ना, बिफोर एज आफ्टर एज वगैरह? ये नहीं किया ना, नहीं किया हमने, हम लोग अभी करने वाले हैं इसे. ठीक है, ये यूनिट टेस्ट केस में करने वाले हैं हम लोग. ओके, मुझे एसटीएस ओपन करना है, मैं एसटीएस ओपन कर रहा हूँ बिहाइंड द सीन. एसटीएस ओपन हो रहा है. और आज हम लोग देखने वाले हैं कि मॉकिंग हमें क्या जरूरी है, क्यों चाहिए मॉकिंग, मॉकिंग का मतलब क्या होता है, और कितने टाइप्स की मॉकिंग होती है, कौन से फ्रेमवर्क क्या यूज होते, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं यहाँ पे पेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए. पेंट में हम लोग डिस्कस कर लेते एक बार मॉकिंग कैसे हो सकता है. स्क्रीन दिख रही है पेंट की? चलो अभी स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में देखो नो आप सर, लोग. पेंट हाँ, नहीं दिख रहा, पेंट नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ओके नाउ यस सर, अभी क्या बोल रहा है, मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है, दिख रहा है ना. ठीक है ठीक है, एक मिनट. बेटा ये स्क्रीन चेक कर रहा हूं मैं. शेयर करता हूं स्क्रीन. हेलो, हाँ संकेत, हो गया ओमकार, मैंने जूम लिंक शेयर किया.
चलो तो हम लोगों को हर क्लास की जो मेथड है या जो छोटा पीस है हमें वो टेस्ट करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये रिमेम्बर होगा अच्छे से कि जब आप कोई भी कोडिंग करते हो तो ये जो तीन लेयर होती है, ये तीन लेयर जो हम लोग ज्यादातर करके यूज करते हैं, पहली जो लेयर है वो है कंट्रोलर, देन दूसरी जो लेयर है वो होती है सर्विस लेयर, सर्विस लेयर, एंड तीसरा जो लेयर होता है अपना रेपो या डाव आप लोगों को जैसे कि पता है, जैसे कि ये वाला रेपो या डाव, रेपो रेपो ये वाला है, ये वाला, इस तरह से आपको तीन लेयर है। लेकिन आपको करना क्या होता है, ईच एंड एवरी लेयर इंडिविजुअली आपको टेस्ट करना होता है, इंडिविजुअली। और इंडिविजुअली क्यों करना है इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता, क्यों आपको ईच लेयर को इंडिविजुअली टेस्ट करना होता है इंडिविजुअली। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा सर्विस लेयर में, यही पे कोड आपको लिख के दे देता हूं मैं, एक ही लाइन पे इसको कंट्रोल एन करके अलग से बना देता हूँ, और फिर मुझे बता देना कि क्या है। ध्यान देके अभी यहाँ पे देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। ये पहला लेयर है आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर, और मैं क्वेश्चन करूंगा इस पे कि समझा कि नहीं इसके बेसिस पे। सर्विस एंड डाओ, DAO, डाओ ये लेयर है, और फाइनली आपका जो डेटाबेस होता है ये है आपका डेटाबेस। क्या आप लोगों को ये लेयर पता है या सब लोगों को बताओ, यस नो आप बोलोगे तो मैं सिखाऊंगा, आप नहीं बोलोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, किसी ने चैट पे डाला है ओमकार, यस बाकी हाँ सागर बोल, काय मनतो है तू, बोलत नहीं है संकेत, आप बोल नहीं रहे हो, मैं क्या मेरे लैपटॉप को थोड़ी सिखा रहा हूँ यार, मतलब आप लोगों को पता है ये, यस श्रेया सेड यस, ये लेयर पता है आप लोगों को, ठीक है। अगर मैंने मेरे यहाँ पे कोई टेस्ट केस ऐसा लिखा, समझो कि मुझे टेस्ट केस लिखना है ओनली फॉर द सर्विस के लिए, मेरे पास यहाँ पे एक सर्विस मेथड है, सर्विस का कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पब्लिक गेट ईमेल, गेट ईमेल बाय आईडी, आप लोगों को यह पता है, और इसमें मैंने लॉन्ग आईडी करके पास कर दिया। और सपोज यहां से जो मेरा डाव है, डाव डॉट गेट ईमेल बाय बाय आईडी, ये पास कर दिया, ठीक है, ये, और ये जो डेटा है ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो रिटर्न, और इसका जो टाइप है ये रिटर्न टाइप रहेगा स्ट्रिंग, ये रहेगा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रहेगा और स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये। डाओ में आपकी जो मेथड है ये है गेट, इस तरह से आपकी मेथड रहेगी वो डाओ में, जो कि आपको पता ही है, यहाँ पे आपको रहेगी पब्लिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये इस तरह से इसकी मेथड रहेगी, जो कि आईडी से आपको डेटा जो है वो रिटर्न करेगी डाओ से, ठीक है, डाओ से जो है वो आईडी रिटर्न करेगी। हाँ,
आईडी पास करने के बाद आपको ईमेल आईडी जो है ईमेल जो है वो मिल जाएगा। ये आपने कोड लिखा और आपने डाओ से इसे कॉल कर दिया, बात सही है ठीक है। अभी मेरे डेटाबेस में आईडी 100 के लिए, आईडी इक्वल टू 100 के लिए ईमेल जो है, ईमेल है shreya@gmail.com, ये ईमेल आईडी जो है मेरे डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है ये, ठीक है। ये वाला जो है ये स्टोर किया हुआ दिया हुआ है। देखो इसे डेटा को ध्यान से देख, हेलो हेलो। हाँ सके, तो ये आपने डेटा देखा कि आईडी अगर इसका वन है, मतलब ऑब्वियसली कॉलम कॉलम स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहेगा गाइस, ये जो डेटा है ये जो फील्ड है ये नीचे के लाइन पे रहेगी ठीक है। मैं इसको अच्छे से, लेकिन आपको ये मुझे ये कंसेप्ट क्लियर करवानी है कि मॉकिटो क्यों यूज करना है, उसकी जरूरत क्या है। नॉट ओनली कि मुझे सिखा के छोड़ना है, बट आपको विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आप लोगों को, आई एम ट्राइंग टू से व्हाट इज अ प्रॉब्लम एंड हाउ वी विल सॉल्व इट यूजिंग मॉकिटो। यूनिट टेस्टिंग में मॉकिटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग, मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहना है दोस्तों, मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ डेटा यू हैव टू रियली केयर इट। आपके डेटाबेस में ये डेटा है और जैसे ही मैं कंट्रोलर से सर्विस लेयर को कॉल करूंगा, जैसे कि यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ पब्लिक पब्लिक गेट ईमेल बाय आईडी, और ऑब्वियसली मुझे कहीं से तो डेटा मिलेगा, और यहाँ पे मैं वो कोड लिख देता हूँ जो हमें चाहिए ठीक है। और सर और यहाँ पे मैं सर्विस का कॉल करता हूँ, ये मान लो ऑब्जेक्ट है सर्विस डॉट गेट 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 ईमेल बाय आईडी, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ ये आईडी ठीक है। नाउ ये मेरा पूरा लेयर आर्किटेक्चर हो गया। यहाँ पे ये कंट्रोलर ने सर्विस को कॉल किया, सर्विस ने डाउ को कॉल किया, और डाउ से डीबी से डेटा आ जाएगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक यूनिट टेस्ट केस लिख रहा हूँ। देखो यूनिट टेस्ट का मैं बड़ा क्लास ले रहा हूँ, लुक इट हियर, और यहाँ पे मैं एक कोड लिख रहा हूँ यूनिट टेस्ट केस का, पब्लिक वॉइड टेस्ट गेट ईमेल बाय आईडी, और यहाँ पे मैं टेस्टिंग करूंगा ठीक है। मैं मेरा जो आईडी है, जो आईडी है एक्सपेक्टेड जो आईडी है वो दे देता हूँ मैं 100, और यहाँ पे मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अभी कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मुझे टेस्ट करना है सर्विस क्लास, तो जैसे कि मैंने मुझे सर्विस क्लास टेस्ट करना है, इसलिए मैं सर्विस डॉट और उसके अंदर जो मेथड है गेट ईमेल बाय आईडी, और उसके अंदर मैंने ये एक्सपेक्टेड जो है ये पुट कर दिया मैंने इसके अंदर आईडी ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया है इस तरह से। अब इसका जो डेटा रहेगा एक्चुअल जो कोड आएगा रिटर्न, वो तो स्ट्रिंग आएगा जैसे कि ईमेल आएगा, लेट्स से स्ट्रिंग स्ट्रिंग ईमेल, ये यहाँ पे आईडी देना होगा अपने को, ये आईडी हम लोग पास कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कुछ अलग रहेगा, ईमेल है ईमेल है, ये ईमेल दिया हुआ है, और मुझे एक्सपेक्टेड ईमेल क्या चाहिए, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड ईमेल है shreya@gmail.com, ये एक्सपेक्टेड है, और ये वाला जो है ये एक्चुअल ईमेल है, एक्चुअल ईमेल, ये वाला जो है एक्चुअल ईमेल, मतलब यहाँ पे वो कॉल करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा ठीक है। एज ऑफ नाउ मेरा सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे एज इट इक्वल्स कर रहा हूँ,
एजट्स इक्वल्स कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड लिख रहा हूँ, एक्सपेक्टेड ये है मेरा, एक्सपेक्टेड ये है, और एक्चुअल जो ईमेल है ये है। क्या कोई एरर आएगा इसमें? ये टेस्ट केस पास होगा कि फेल होगा? चलो संकेत बताओ, ये टेस्ट केस पास होगा या फेल होगा? श्रेया पास। संकेत ये पास होगा कि फेल होगा बताओ? सर डेटाबेस के ऊपर डिपेंड रहेगा ना। हाँ तो डेटाबेस में क्या है आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या डेटाबेस में क्या रखा है? हाँ श्रेया पास होगा सर। ओके सुदीप, सागर, संगा पास होगा। टोटल पास होना। यस गाइस इट इज अ परफेक्टली करेक्ट, इट विल 101% विल बी पास। रूल एक लिखो, आप टेस्ट केस ना एक ही बार लिखते हैं, जैसे कि आज श्रेया ने, श्रेया इज अ डेवलपर, श्रेया ने आज ये यूनिट टेस्ट केस लिखा है, 3 साल बाद ये छोड़ के चली गई कंपनी, चौथे साल में मान लो फोर्थ ईयर में किसी और डेवलपर आया और उसने ना गलती से या एपीआई से डीबी में चेंज किया, कोड में चेंज नहीं किया, कोड में कोई चेंज नहीं है, डीबी में लेट्स सी मैंने इस डेटाबेस में श्रेया का ईमेल हटा दिया। इतने साल तक नहीं, मतलब कोई भी चेंज हो सकता है डेटा। यहाँ पे यस pawar@gmail.com। अब बताइए टेस्ट केस पास होगा कि फेल होगा? फेल होगा। मैं हेलो श्रेया बताओ फेल होगा कि पास होगा? फेल। यस एब्सोल्युटली फेल गाइस। हमारा यूनिट टेस्टिंग कोडिंग का जो मकसद होता है कोड चेक करना कि हमारा जो कोड है वो कोड जो है सही से चल रहा है या नहीं है। हमारे कोड में कोई चेंजेस है क्या? अभी कुछ चेंज किया हम लोगों ने कोड में? नो सर। बट देन हाँ बोलिए ना। बट ऐसा क्लाइंट अगर चेंज किया उसने ईमेल तो हमारा एक्सपेक्ट दूसरा रहेगा देन तब। हाँ तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी यूनिट टेस्ट करते हैं तो यूनिट टेस्टिंग लिखने से पहले आप लोगों को एक बात की ध्यान रखना होता है कि आपका जो टेस्ट केस है किसी डेटा पे निर्भर ना रहे, किसी दूसरे कोड पे निर्भर ना रहे। अगर आप सिर्फ सर्विस लेयर को टेस्ट कर रहे हो ना आप लोग, तो सर्विस लेयर का वही फंक्शन जो है वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं सर्विस को टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड है? डाव लेयर से, जो डाव लेयर पे। डाव लेयर किस पे डिपेंड है? डेटा पे डिपेंड है। तो जब भी यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं तो हम लोग डिपेंडेंट नहीं रखते। क्यों नहीं डिपेंडेंट रख सकते? क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकती है। हमें टेस्ट क्या करना होता है कि अगर हमने यूनिट टेस्ट करना है, यूनिट टेस्ट का मतलब है कि सर्विस की ये मेथड हमें टेस्ट करनी है, सिर्फ ये कि ये वर्क कर रही है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि डेटाबेस में वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो जो गेट मेथड है, गेट मेल आईडी डाउ की, उसकी वजह से उसका रिजल्ट भी चेंज हो रहा है, देन उसकी वजह से हमारा जो टेस्ट केस है वो फेल आ रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि हमारी जो टेस्ट केस होती है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस लेयर को टेस्ट करे, और ये जो डिपेंडेबिलिटी है ना डाव लेयर पे, डीबी पे, डीबी के डेटा पे, वो डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वो डिपेंडेबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। ओके कंफ्यूजन कुछ है? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आपका कि अगर आप ऐसे यूनिट टेस्ट केस करते हो तो डेटा चेंज हो जाता है तो आपके यूनिट जो टेस्ट केसेस है वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको मॉकिंग डेटा लेना होता है। रियल वाला यूज नहीं करोगे आप, रियल वाला डेटाबेस, रियल वाले ये वैल्यूज और रियल वाला ये जो डाव लेयर है ये यूज नहीं करोगे आप लोग।
आप लोग यूज करोगे डमी, डमी मतलब उसका डुप्लीकेट। क्या यूज करोगे? उसका डुप्लीकेट। सर एग्जांपल ऐसा मतलब कुछ? हाँ मैं दे रहा हूँ ना एग्जांपल, मतलब मैं एग्जांपल ही सिखा रहा हूँ। मैंने पहले प्रॉब्लम आपको दिया कि आप रियल ये डाव लेयर को कॉल, डाव लेयर के मेथड को कॉल करोगे तो क्या होगा, ये दिखाना था मुझे। हाँ तो अब आपको ये जो टेस्ट केस है, इस टेस्ट के वजह ये जो है, ये टेस्ट केस जो है, अभी इस टेस्ट को मैं मॉकिटो का इस्तेमाल करूंगा। मॉकिटो क्या है? हाँ सबसे पहले ये समझ लो कि मॉकिटो क्या है, मॉकिंग का मतलब क्या है, ये सबसे पहले ये समझ के ले लेते हैं हम लोग। तो ये ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारी जो टेस्ट केसेस है कि किसी दूसरे मेथड पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये गेट मेल बाय आईडी ये डिपेंड है डाव लेयर पे। तो हमें कुछ ऐसा करना है टेस्ट केस में, ओनली टेस्ट केस में, कि ये मेथड इसका डेटा यूज ना करे जो रियल वाली मेथड है। तो किसका डेटा यूज करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं ना, डमी डेटा बनाते हैं। मतलब उसको क्या इनपुट देना है, वो पर्टिकुलर उसका क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, ये सब कुछ हम लोग जो है ये हम लोग डिसाइड करते हैं टेस्ट केस में। जो डमी डेटा होता है, डमी डेटा हम लोग पास करते हैं। और डमी मतलब मॉक करना, मतलब किसी चीज को जो है डुप्लीकेट ही करना। जैसे कि अभी ये मान लो ये डाव तो है, अपना एम्प्लॉय डाव पकड़ो, स्टूडेंट डाव, कुछ भी करो आप, ये जो डाव है ये ओरिजिनल नहीं रहेगा, इसका हम शक्ल बनाया जाएगा, इसका डुप्लीकेट बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? एक फ्रेमवर्क है, फॉर एग्जाम्पल मॉकिटो एक फ्रेमवर्क है कि जो इसका सेम टू सेम कॉपी बना के रख देगा और हम लोग उसे यूज करेंगे। और हम लोग उसमें ये भी पास करेंगे कि भाई अगर ये वाली मेथड ओरिजिनल ये वाली मेथड कॉल होती है और उसे ये डेटा आता है तो आप ये डेटा रिटर्न करो, ये सब लोग हम डिसाइड करते हैं। और इसी को मॉकिंग कहते हैं। और ये मॉकिंग का काम जो है, एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है मॉकिटो, और अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ रियल मॉकिंग का कोडिंग। सबसे पहले मॉकिंग क्यों आपको समझ में आई, मतलब मॉकिंग का मतलब क्या है? अगर आप मॉकिंग नहीं करोगे तो ये जो है जैसे कि डाव और सर्विस इसका रिलेशन रहेगा, लेकिन मॉकिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो रिलेशन रहती है ना कनेक्टिविटी, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही पे डुप्लीकेट डेटा बनाएंगे वो लोग और टेस्ट करेंगे। तो चलो चेक कर लेते कि कैसे बनाएंगे। मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आप लोगों को एक नया क्लास क्रिएट करके दिखा देता हूं। मेरा एसटीएस दिख रहा है क्या? आप मुझे बता देना। डोंट वरी, मैं ज्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द समझे। देखो ओरिजिनल किसी भी मेथड को कॉल नहीं करेंगे, याद रखना, कोई भी मेथड को कॉल नहीं करेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल जैसा हम लोग फील करेंगे। यहाँ पे लिखता हूं पब्लिक वॉइड टेस्ट गेट ईमेल बाय आईडी लॉन्ग आईडी, लॉन्ग आईडी यहाँ पे मैं यूजर सर्विस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी एम्प्लॉय सर्विस रहेगा मेरे पास, एम्प्लॉय सर्विस है, एम्प्लॉय सर्विस का यूज कर लेता हूँ। मैं पहले आपको ये सारे क्लासेस दिखा देता हूँ, रिसोर्स और ये सारी चीजें दिखा देता हूँ आपको। ये देखो एम्प्लॉय सर्विस है, ये वाली मेथड है मेरी गेट ईमेल बाय आईडी, गेट ईमेल बाय आईडी, और ईएमपी रिपोर्ट से गेट ईमेल बाय आईडी, और यहाँ पे जो है वो मैंने ये कोड लिखा हुआ है, जैसे कि लिखते हैं हमेशा। या नया प्रोजेक्ट बना के आपको दिखा दूं? आपके पास प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, मैं किसी एक का प्रोजेक्ट यूज कर लूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ एक कोड सैंपल सा,
यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लिखना है @test, यहाँ पे आपको लिखना है @test, फिर मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉय सर्विस की मेथड, एम्प्लॉय सर्विस emp सर्विस इक्वल टू न्यू, बेसिक वाला प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कोई अनोटेशन नहीं है, और emp सर्विस देखो emp सर्विस डॉट गेट ईमेल बाय आईडी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, और ये रिटर्न करेगा ईमेल जो एक्चुअल ईमेल आईडी रहेगा, एक्चुअल ईमेल, और नीचे लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड ईमेल इक्वल टू समथिंग ये वाला। बट गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखो, हम लोग पूरी तरह से डाव लेयर जो है, जो सर्विस लेयर किस कौन से लेयर पे डिपेंड है, डाव लेयर पे, क्यों कौन से लेयर पे डिपेंड है सर्विस लेयर, क्विक बताओ, डाव लेयर पे, डाव लेयर पे, तो डाव लेयर को हमें एक्चुअली कॉल नहीं करना, उसका डुप्लीकेट बनाना है, यानी उसे मॉक करना है, इसकी कॉपी बनानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है पता है, यहाँ पे एक क्लास है जिसका नाम है मॉकिटो, आप मॉकिटो का यूज कर लो, मॉकिटो, मॉकिटो ये वाला डॉट मॉक करो, और यहाँ पे जो क्लास हमें मॉक करना है तो ऑब्वियसली हमें हमारा जो एम्प्लॉय डाव है उसे मॉक करना है, डुप्लीकेट बनाना है उसको, उसे कॉल नहीं करना। मैं वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, क्लास उसे एक्चुअल क्लास को कॉल नहीं होगा, बट सिर्फ उसमें फंक्शन के जैसा होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय रेपो बनाई हमने, और हमने क्या कहा कि जब ये एम्प्लॉय रेपो जो होगी, ये जो मेथड कॉल होगी, ऐसा लिखना है आपको, देखो ये आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है कि क्या लिखना है, मॉकिटो डॉट वेन कौन से मेथड को, एम्प्लॉई रेपो डॉट गेट ईमेल बाय, क्या था हमारा, फाइंड फाइंड ईमेल बाय आईडी, ये मेथड को जब कॉल करेंगे और उसका डेटा अगर हम लोग उसे 100 पास कर रहे हैं तो ये जो मेथड होगी वो ये क्या करेगी, देन रिटर्न ये वैल्यू, जब भी मैं एम्प्लॉय रेपो को कॉल करूंगा, जैसे कि इसका तो डुप्लीकेट बनाया मतलब मॉक कर दिया, इसका कॉपी, ये ओरिजिनल वाला नहीं है, ये अपना डुप्लीकेट वाला है, जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा फाइंड बाय ईमेल आईडी विद दिस वैल्यू देन रिटर्न ऑलवेज दिस, क्या ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, डीबी से वैल्यू आ रही है अभी नहीं। जब मैं फाइंड बाय वैल्यू को कर रहा हूं तो ये नहीं आए, बराबर, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका टेस्ट केस किसी डेटा के वैल्यू के ऊपर डिपेंड है क्या अभी, डेटा में वो आईडी पे कोई भी डेटा रहेगा कोई भी ईमेल रहेगा, तो उसके ऊपर कोई डिपेंड है क्या अभी आपका टेस्ट केस, ये ओनली टेस्ट केस, देखो नहीं नो no. तो अभी डेटा कुछ भी चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो टेस्ट करना है कि भाई डाउ लेयर से ये कॉल करेंगे, आईडी इनपुट रहेगा और उसके बदले में रिटर्न ये होने वाला है, तो बस दैट्स इट, यही आपका आंसर है। तो जब भी कभी आप में ईएमपी सर्विस डॉट गेट ईमेल बाय आईडी को कॉल करूंगा और उसे 100 पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये रिटर्न क्या देगा, हमेशा shreya@gmail.com, और अभी सेम वैल्यू जो है यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्चुअल एज एट बोलो क्या यूज करूँ, कौन सा, एज एट इक्वल्स एक्चुअल एक्सपेक्टेड ईमेल, ये मेरा एक्सपेक्टेड ईमेल है इसमें, और ये मेरा
मेरा जो है ये एक्चुअल ईमेल आईडी। और ये मैंने ना सब ये जो है ना ऐसे ये मैंने मैन्युअली किस क्लासेस क्रिएट किए हैं, और मैंने लिखा कि जब मॉकिटो डॉट वैन वैन ये मेथड को ये डेटा पास होगा देन ये रिटर्न होगा। ओके मैंने ऐसा लिख दिया, पहले ही कंडीशन लिख दिया है, मतलब मॉक कर दिया, मतलब डमी डेटा सेट कर दिया है। मैंने क्या कहा है कि जब भी डाओ की ये मेथड जो है कॉल होगी तब उसे क्या रिटर्न होगा, ये वाला रिटर्न होगा। कौन से आईडी के लिए? ये वाले के लिए। ये मैंने लिख दिया। फिर एम्प्लॉय सर्विस मैंने एनोटेशन यूज नहीं किया, आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका एनोटेशन यूज करना स्टार्ट करेंगे। अब इसका डेटाबेस में मैंने वैल्यू ये प्रॉपर्टीज वैल्यू डाली कि नहीं पता नहीं, मैं एक बार इसको जे यूनिट टेस्ट कैसे रन कर देता हूँ। ठीक है, आपका टेस्ट केस देखो फेल हुआ कि सक्सेस हुआ, क्या दिया इसने। यहाँ पे मत देखो क्योंकि मैंने वो डाला नहीं है, डेटाबेस की कोई प्रॉपर्टीज डाली नहीं, लेकिन आपके टेस्ट केसेस फेल हुई कि सक्सेस हुई ये बताना मुझे। सक्सेस हुआ। यस, ठीक है। तो मॉकिंग, मॉकिंग का मतलब ये है कि हमने ओरिजिनल क्लास का डुप्लीकेट यहाँ पे बना के रख दिया। अगर ये ओरिजिनल जाएगा तो डेटाबेस में से वो डेटा लेके आएगा, और अगर हमारा एक्सपेक्टेड अगर चेंज है तो यहाँ पे भी चेंज होगा और हमारा टेस्ट केस जो है वो फेल होगा। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग रिटर्न क्यों लिया, क्योंकि आपकी फाइंड बाय जो मेथड है ना दोस्तों, आप यहाँ पे आपने क्या पास किया, यहाँ पे आईडी पास किया, तो देखो यहाँ पे आपने आईडी ही पास किया। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, अगर यहाँ से रिटर्न आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, अगर यहाँ से आपका मतलब जो मेथड इनपुट ले रही है पैरामीटर वही आपको पास करना है, और जो रिटर्न कर रही है वही टाइप का डेटा आपको रिटर्न करना है। तो आप लोगों को पूरा क्रड ऑपरेशन बनाना है एम्प्लॉय का, आपको क्रड ऑपरेशन बनाना है एम्प्लॉय का, और आपको उसकी सर्विस लेयर की टेस्टिंग करनी है यूजिंग मॉकिटो। किसी भी वेब सर्विसेज डेवलपर को सबसे ज्यादा काम होता है रेस्टफुल वेब सर्विसेज एक्सपोज करना, देन डेटा जेपीएज का कोड लिखना, देन जे यूनिट मॉकिटो की कोडिंग करना, बस दैट्स इट, इतना ही उसे जॉब होता है। तो आपको मॉकिटो से क्रड ऑपरेशन करना है। इवनिंग को वापस से हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, अगर किसी को पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगा।